हेलो एंड अगेन वेलकम टू जैमकैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। DSSSB PGT केमिस्ट्री 2018 का पेपर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, पहले तीन पार्ट जिसमें हम 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 है, इसमें हम नेक्स्ट आगे के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसमें आपको कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। वही भाई पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री ऐप पे, ये एक कोर्स अवेलेबल है जिससे आपके सारे पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन हो जाएगी। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब भाई पहला क्वेश्चन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ गया है और बिल्कुल पढ़ाया जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। ज्यादातर जो क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे इस पार्ट के अंदर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड कहेंगे। बाई यूजिंग SOCl2 को यूज करके अल्कोहल को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, है ना? तो भाई अल्कोहल को कन्वर्ट किया जाता है अल्काइल हैलाइड्स या हेलो अल्केन्स में। देखिए बेसिकली ये रिएक्शन है, इसका स्पेशल नाम भी होता है भाई, ये हमारा अल्कोहल है। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो SOCl2 के साथ तो यहाँ पे RCl बनता है। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है इसे हम SNI के नाम से जानते हैं, SNI, ठीक है। दूसरी इसकी खास बात क्या होती है भाई, जो इसमें कॉन्फिगरेशन होती है वो रिटेन रहती है, रिटेंशन होता है कॉन्फिगरेशन का। क्या होता है यहाँ पे? रिटेंशन होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा मैकेनिज्म और दो चार चीजें मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस रिएक्शन के बारे में। देखिए भाई इसे हम SNI के नाम से जानते हैं, फुल फॉर्म आप बोलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, या फिर इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसे बोला जाता है। दूसरा इसका नाम होता है डार्जेंस प्रोसेस। डार्जेंस प्रोसेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल इन द एब्सेंस ऑफ पिरिडीन, इन द एब्सेंस ऑफ पिरिडीन इज कॉल्ड SNI। अगर पिरिडीन प्रेजेंट नहीं है तो ही SNI होती है, अगर पिरिडीन लिख देगा फिर SNI नहीं होगी, ठीक है। दिस रिएक्शन प्रोसीड विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये भी मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि यहाँ पे कॉन्फिगरेशन रिटेन रहती है। तो देखिए ये हमारे पास एक अल्कोहल है भाई, सबसे पहले अल्कोहल क्या करता है यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक कर देता है यहाँ पे, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, वापिस ये नीचे आएगा और यहां से क्या निकलेगा, Cl बाहर निकल जाता है, Cl बाहर निकल जाता है, ये सिचुएशन बनेगी। उसके बाद क्या होता है, यहां से Cl इसके ऊपर अटैक करता है और ये पूरा SO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे अल्कोहल से क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड। कॉन्फिगरेशन रिटेन रहने का मतलब ये होता है कि अगर OH आपका यहाँ पे लगा हुआ है, OH यहाँ पे लगा हुआ है, तो जो ये Cl होगा ये भी इसी साइड लगेगा, कॉन्फिगरेशन का इन्वर्जन नहीं होगा जैसा कि SN2 के अंदर होता है, यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो भाई इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने इस रिएक्शन के बारे में बता दी है। कल को ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई तो बताइए क्या रिएजेंट हम लेंगे, SOCl2, या फिर आपसे बोल देगा कि भाई इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, तो SNI इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ आर इक्वली सिलेक्टिव, हालांकि क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। देखिए ये क्वेश्चन ये है बेसिकली, आपको यहाँ पे हैलोजिनेशन करना है ऑफ अल्केन। ये जो क्वेश्चन होता है बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे है कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन के ऊपर हैलोजिनेशन करना है तो बताइए क्या ट्रू होगा। हैलोजिनेशन बोले तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करना है तो बताइए क्या। ये कह रहा है कि दोनों ही इक्वली सिलेक्टिव होते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्लोरीनेशन इज मोर सिलेक्टिव देन ब्रोमिनेशन, या फिर ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव। तो भाई यहाँ पे जो ब्रोमिनेशन होता है वो ज्यादा सिलेक्टिव होता है एज कंपेयर टू आपका क्लोरीनेशन। इसे काफी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है स्टूडेंट, काफी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। एक हैमंड्स प्रोसेस के थ्रू भी, हैमंड्स मैकेनिज्म के थ्रू भी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ट्रांजिशन स्टेट वगैरह देख के। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको कहूंगा याद रखिएगा डायरेक्ट, जब भी आप अल्केन का क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो उसमें ब्रोमिनेशन ज्यादा सिलेक्टिव होता है और ज्यादा सिलेक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव बोलते हैं उसे, है ना, सिलेक्टिव ज्यादा होता है बेसिकली। ये क्या होता है भाई, सिलेक्टिव ज्यादा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यस भाई ये सॉलिड स्टेट से है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन FCC एंड BCC। देखिए भाई FCC में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो फेस सेंटर पे एंड प्लस में आपका कॉर्नर पे होते हैं। कहां पे होते हैं? कॉर्नर पे। हमें पता भाई फेस सेंटर 6 फेस होते हैं और फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है।
ये आप बोर्ड जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर इसके सेंटर पे मैं एक आइटम रख दूंगा, आधा वो इस रूम में है और आधा वो दूसरे रूम में रहा होगा, तो 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन होता फेस के सेंटर का, ठीक है। तो 6 फेस सेंटर होते हैं, 1/2 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, प्लस में हमारे पास 8 कॉर्नर होते हैं और कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है। कॉर्नर, एक कॉर्नर जो है वो 8 कमरों में शेयर हो सकता है, आप अपने कमरे से इमेजिन करके देखिएगा। तो यहां से जब देखोगे तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी फेस क्यूबिक सेंटर के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 4, ठीक है। तो यहां पे एक ही ऑप्शन है जहां पे 4 आ रहा है। बीसीसी की बात करेंगे, बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड की अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ पे भाई एक तो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, 8 कॉर्नर होते हैं और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 2। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है भाई? तो ये आपका यहाँ पे एंटीबायोटिक होता है इमोक्सीसिलीन, ठीक है। ये आपका एक एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है, ये आप देख सकते हैं, याद रखने वाला है सिंपली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैलामाइन, कैलामाइन इज द ओर ऑफ, देखिए जो जिंक कार्बोनेट होता है, जो जिंक कार्बोनेट होता है उसी को कैलामाइन बोलते हैं, उसी को कैलामाइन बोलते हैं, जिंक कार्बोनेट को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स सो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, देखिए भाई हमारा जो सल्फर होता है इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेगा, 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा किसके साथ, 6 फ्लोरीन के साथ, 6 के 6। तो यहाँ पे जो ये ज्योमेट्री बनती है, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और इसके हाइब्रिडाइजेशन होती है भाई sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, तो हमारा आंसर यही हो गया भाई। XeF2 की अगर आप बात करेंगे, मैं इन तीनों की बना के दिखा देता हूं भाई, यहां पे XeF2 की लीनियर शेप होती है। ज्योमेट्री की बात करोगे, देखिए जिनोन के पास जो है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 होते हैं, जिनमें से 2 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, एक यहां पे लोन पेयर, एक यहां पे लोन पेयर और एक यहां पे लोन पेयर। वैसे तो इसकी ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू वेसेपर थोड़ी लीनियर आएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन अगर आप जाएंगे तो वो sp3d होती है, और उसकी वजह से इसकी TBP भी पॉसिबल हो सकती है। वैसे पर के अकॉर्डिंग लीनियर होगी, है ना, एंड हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग sp3d कैसे निकाल पा रहा हूं भाई मैं हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में ऐसे निकाल पा रहा हूं, सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करने होते हैं, सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 5, सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने आ रहे हैं, 5, 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है, 4 होता तो sp3, 3 होता तो sp2, 2 होता तो sp, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल दे रखा था भाई XeO3, देखिए भाई जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किए, 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किए और 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किए, यहां पे लगाया लोन पेयर, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी दैट इज sp3, एंड इसकी शेप का नाम होता है पिरामिडल, क्या नाम होता है भाई इसकी शेप का नाम, पिरामिडल, एंड अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल यहां पे दे रखा है दैट इज XeF4, ठीक है। तो ये क्या बनेगा भाई, जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 इन फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए एंड एक यहां ऊपर लोन पेयर लगा दिया, एक यहां पे नीचे लोन पेयर। अगर आप इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे दैट इज sp3d2 हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप इसकी शेप की बात करेंगे तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर, क्या होती है स्टूडेंट, ये आपका ये स्क्वायर प्लेनर होती है, ये आपका स्क्वायर प्लेनर होती है। तो हमसे सिर्फ ऑक्टाहेड्रल पूछा था जो पहले के अंदर ही आ रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, ये देखिएगा भाई SN2 एंड SN1 रिएक्शन फॉलो, भाई बोल क्या दोनों फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है? देखिए ये जो टूल लिख रखा है इसका मतलब बाई मोलिकुलर बोल सकते हैं बेसिकली, यहां पे 1 लिख रखा है तो यही है भाई, जो SN2 होती है वो सेकंड ऑर्डर को फॉलो करती है एंड SN1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात और बता दूं स्टूडेंट, जो SN2 रिएक्शन होती है वो सिंगल स्टेप में होती है, एक ही स्टेप में वो रिएक्शन होती है, इस SN2 के अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनती है, बट जो SN1 रिएक्शन है वो 2-स्टेप रिएक्शन होती है, पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा उसके बाद आपका जो है और जो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट है कार्बोकोटाइन बनता है बेसिकली, वही उस रिएक्शन का RDS रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप होता है, भले ही ये 2 स्टेप में हो रही है लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है इसलिए SN1 बोलते हैं, ये सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है इसलिए SN2 बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 3rd इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
उसके बाद बताओ भाई इसको हम क्या नाम देंगे। देखिए ये तो हमें पता लग गया कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा, बीआर यहाँ से निकला है, ये सब्स्टिट्यूशन तो पक्का ही है। तो ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन है? एआर एरोमेटिसिटी का तो कोई लेना देना नहीं, एआर का मतलब होता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है हटा दो। एसएनआई नहीं है, एसएनआई तो अल्कोहल का अल्काइल हैलाइड में विद द हेल्प ऑफ SOCl2, तो ये नहीं है, ये नहीं, नहीं है। इन दोनों में से कैसे चेक करोगे भाई? SN1 ज्यादातर आपको मिलेगी 3 डिग्री 2 डिग्री के केस में, जहां पे स्टेबल कार्बोकोटाइन बनता है। SN1 वहां पे देखने को मिलती है जहां पे स्टेबल कार्बोकोटाइन बनता है। यहां पे जो ये कार्बोकोटाइन है कोई ज्यादा स्टेबल कार्बोकोटाइन नहीं है, इसलिए यहां पे SN1 नहीं होगी। यहां पे आपका क्या देखने को मिलेगी? आपको यहां पे SN2 ही देखने को मिलेगी, SN2 ही देखने को मिलेगी। अगर 3 डिग्री होता और 2 डिग्री भी होता तो हम बोल देते कि ये SN1 होगी, क्योंकि वहां पे स्टेबल कार्बोकोटाइन बनता, बट यहां पे कोई स्टेबल कार्बोकोटाइन नहीं है तो ये SN2 मैकेनिज्म से ही जाएगी, SN2 से। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2। मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर हम जाएं, देखिए ये वाला जो होगा ये बेसिकली यहाँ से अटैक करेगा, मान लो इसके पीछे से अटैक करता है। अगर मैं इसको दिखाऊं कुछ ऐसा भाई, यह हाइड्रोजन हो गया, इसी प्रकार यह हाइड्रोजन हो गया, एंड यहाँ पे हमारा ये BR हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा ये BR हो जाता है, और उसके बाद इसका मान लेते हैं कि ये हमारा CH3 लगा हुआ है, CH3। तो इसमें बेसिकली स्टूडेंट होता क्या है, जो भी आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, मान लो ये HS-, ये यहां से इसको अप्रोच करता है, यहां से अटैक करता है। तो जैसे ये यहां से अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है ये साइमल्ट एक साथ ही यहां पे होता है, इसीलिए इसको, तो ये उसमें पूछा है कि वो किस टाइप का ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये जो आप ट्रांजिशन स्टेट देख पा रहे हैं, ये लाइक दैट आपका टेट्राहेड्रल टाइप की ही है ना, कार्बन टेट्राहेड्रल टाइप की ही होती है। क्यों? देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। तो इसमें अगर ऑप्शंस को देखें यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, क्या स्क्वायर प्लेनर टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी? ना जी ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी? नहीं। नॉर्मल टेट्राहेड्रल? नहीं। यस, कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे बोल सकते हैं, कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे ही दी आपको। उसके बाद है मॉर्फिन, जो मॉर्फिन है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है भाई। पहले तो आप मॉर्फिन की स्ट्रक्चर ही देख लो भाई, मॉर्फिन की स्ट्रक्चर आप ये देख पा रहे हैं, दिस इज मॉर्फिन। तो यहाँ पे देखिए ये जो अमाइन दिख रहा है, दिस इज एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा, ये तीसरा, तो ये 3 डिग्री अमाइन है। कैसा है ये आपका? 3 डिग्री अमाइन है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, मॉर्फिन कंसिस्ट ऑफ, तो टर्शियरी अमाइन, ठीक है, टर्शियरी कार्बन सिर्फ नहीं जी, क्वार्टरनरी कार्बन मतलब 4 कार्बन का होना, या ये रहा अकेला, ये अकेला ये भी नहीं होता, ये दोनों ही चीजें प्रेजेंट होती है। आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे ध्यान से, कहाँ गई भाई स्ट्रक्चर? ये रही जी, ये आपका 3 डिग्री अमाइन हो गया, और उसके बाद आपका ये वाला कार्बन ही ले लो, चाहे 1, 2, 3, 4 क्वार्टरनरी कार्बन इसको बोल सकते हैं, है ना, इस तरीके से आप इसको देख पाते। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर पॉसिबल होगी? देखिए भाई, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाओगे, ये क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे, एक इस फ्लोरीन के साथ शेयर किया, एक इस फ्लोरीन के साथ और एक इस फ्लोरीन के साथ, एक लोन पेयर लगाया यहाँ पे, एक लोन पेयर लगाया यहाँ पे। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 1, 2, 3, 4, 5 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d, और इस शेप का नाम होता है टी शेप। इस शेप का नाम क्या होता है भाई? टी शेप, टी बनता हुआ दिखाई भी आपको दे रहा होगा। सेम BrCl3 जैसी ही बनेगी sp3d, BrF की जो शेप बनेगी दैट इज लीनियर। एंड ये देखिएगा भाई, ये रहा इसकी जो शेप आती है ना, इसकी शेप मैं नाम भी बताऊंगा, हालांकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। कैसे भाई? देखिएगा स्टूडेंट, सारे बच्चे ध्यान से, हमें पता है कि आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस क्लोरीन के साथ शेयर किया, एक इस क्लोरीन के साथ, एक इस क्लोरीन के साथ, एक इस क्लोरीन के साथ, एंड एक हमने लगा दिया यहाँ पे लोन पेयर, एक लोन पेयर लगा दिया और एक यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा प्लस पाई काउंट करो कितने हो गए, सॉरी सिग्मा प्लस लोन पेयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर 6 होंगे तो sp3d2। देखो इन सभी का सम 6 आना चाहिए, एक एस है, 3p और 2d, 6 आ रहा है सभी का सम, तो sp3d2 हो गई। इस ज्योमेट्री का जो नाम होता है ना, इस शेप का नाम बोलो,
इस शेप का नाम होता है जी स्क्वायर पिरामिडल। इस शेप का क्या नाम होता है, इसको हम स्क्वायर पिरामिडल के नाम से जानते हैं। स्क्वायर पिरामिडल कैसे भाई, कैसे, जैसे यहाँ पे नीचे एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जब आप इन सभी को मिलाओगे तो हमें एक पिरामिड बनता हुआ दिखाई भी देगा। इसी जैसा एक और एग्जाम्पल होता है BRF5, इसी जैसा एक और एग्जाम्पल होता है BRF5, ठीक है। These all are interhalogen compound, है ना, हेलोजन हेलोजन आपस में मिलके जुड़े हुए, तो ये इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइल हलाइड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, भाई आपको क्या करना है, अल्कोहल को अल्काइल हलाइड में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल को अल्काइल हलाइड में कन्वर्ट करना है, तो कौन से वाला करेक्ट रहेगा। भाई मान लो आपके पास ROH है और इसको आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसके अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां से बन जाएगा RX, तो कौन सी वाली बात सही रहेगी। देखिए भाई सबसे पहले क्या होगा, जब यहाँ पे देखिए इसमें एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का भी कंसेप्ट होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करोगे वो एक अलग कंसेप्ट होता है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि कार्बोकटाइन की ही फॉर्मेशन होगी, क्या होगी, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन करवाओगे पहले, और जब कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइल हलाइड, ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भाई वैसे तो देखो अगर ये आपका अगर 3 डिग्री रहा होगा तो सबसे ज्यादा फास्ट उसी में, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में पहला स्टेप होता है कार्बोकटाइन का बनना। अगर आप मान लो यहाँ पे HX लोगे, है ना, HX क्या होता है, ये खुद एक एसिड होता है, ये एसिड क्या करेगा यहां से इस OH को निकालेगा और कार्बोकटाइन बनाएगा। अब कार्बोकटाइन बनने के बाद, है ना, कार्बोकटाइन ये HX एसिड होता है, जैसे यहाँ पे आपने HCl ले लिया फॉर एग्जांपल, HCl तो एक एसिड है, तो वो पहले क्या होगा यहाँ पे इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो कार्बोकटाइन बनेगा वापिस से Cl नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल के तरह, और कार्बोकटाइन का क्या देखेंगे भाई SN1 टाइप का मैकेनिज्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा 3 डिग्री का रेट सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री का, क्योंकि SN1 के अंदर कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन इज RDS, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, E2 रिएक्शन क्या होती है भाई, E2 एलिमिनेशन होता है ये एक प्रकार से, इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स रहा होगा, मान लो आपके पास CH2 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लेते हैं, ये CH2 एंड यहाँ पे BR लगा लेते हैं फॉर एग्जांपल, जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक KOH या किसी और बेस के साथ, तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है भाई, किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, अल्कीन, तो यहाँ पे कुछ चीज रिमूव हुई है, कुछ चीज निकली है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है भाई, ये इस बेस के साथ, ये भी E2 एलिमिनेशन जो होता है, ये भी वन स्टेप रिएक्शन होती है, यहाँ पे भी ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा, ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक करेगा, तो ये अल्कोहलिक KOH इसके साथ जुड़ता है, ये वाला बॉन्ड भी टूटता है और ये वाला यहाँ पे ऐसे बाहर निकलता है, ये नेगेटिव, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। तो क्या ये सिन एलिमिनेशन होता है, नहीं जी, सिन एलिमिनेशन नहीं होता है, यहाँ पे भी जो है आपकी बनेगा वो एंटी एलिमिनेशन होता है ये, तो स्टीरियो सिलेक्टिव होता है भाई, स्टीरियो सिलेक्टिव होता है एंड ये एंटी एलिमिनेशन होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव होता है एंड एंटी एलिमिनेशन टाइप की ये होती है ए टू एलिमिनेशन, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, What is the total number of lone pair in IF5? अभी अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 ऐसे शेयर कर लेगा और एक क्या बचेगा यहाँ पे लोन पेयर, एक क्या बचेगा जी लोन पेयर, तो लोन पेयर अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे एक हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रिलेटिव रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मैंने अभी अभी बताया भाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है, मान लीजिए भाई यहाँ पे आपका कोई इस टाइप से यह अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ या किसी भी एसिड के साथ, यहाँ पे कोई भी एसिड हो सकता है H पॉजिटिव, सबसे पहले क्या करेगा ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, तो डोनेट करने से क्या होगा यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, अब ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है तो ये एज अ वाटर के तौर पे बाहर निकल जाता है, जैसे ही वाटर के तौर पे बाहर निकलेगा यहाँ पे बनता है कार्बोकटायन, क्या बनता है यहाँ पे कार्बोकटायन,
तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो होता है उसमें पहला स्टेप होता है कार्बोकेटाइन का बनना और वही उसका रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बोकेटाइन होता है दैट इज 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। इसलिए रिलेटिव रेट इसी ऑर्डर में काम करेगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कंपाउंड नोनेक्टिन बाइंड्स टू विच मेटल आयन। तो भाई पोटासियम याद रखने वाला है, पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, कुछ भी समझाने का इसमें है नहीं। नेक्स्ट है भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व्स। ये कह रहा है रेसिम विद रिटेंशन नहीं, इन्वर्जन होता है भाई। यहाँ पे क्या होता है? इन्वर्जन, इन्वर्जन इज द करेक्ट आंसर। रिटेंशन नहीं होता है स्टूडेंट, रिटेंशन नहीं होता है। इन्वर्जन का मीनिंग अगर आप समझना चाहते हैं तो आइए मैं समझा देता हूं इन्वर्जन का मीनिंग। जैसे ये देखिए भाई, ये OH था, यहाँ पे H था, ये CH3 था एंड ये C2H5 था, ठीक है। देखिए अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ यहाँ पे SH नेगेटिव के साथ, तो मुझे जो ये SH मिलेगा ना वो इस साइड में मिलेगा एंड हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा CH3 एंड ये आपका C2H5। इसको बोला जाता है इन्वर्जन। अगर यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन R थी ना तो पक्का ही अब यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन S हो चुकी होगी। इसको बोलते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन का इनवर्स हो जाना। तो SN2 के अंदर ऐसा ही होता है, SN2 के अंदर ऐसा ही होता है। बट अगर इसकी रिएक्शन आप करवा रहे होते SOCl2 के साथ तो वहां पे मैंने बोला था रिटेंशन टेक प्लेस। रिटेंशन का मतलब है कि इस OH की जगह यही पे क्लोरीन लगेगा, हाइड्रोजन यहां पे रहेगा, CH3 यहां पे रहेगा एंड C2H5 यहां पे रहेगा। इसका मीनिंग क्या है? रिटेंशन टेक प्लेस। बट अगर आप बात करेंगे SN2 के अंदर तो वहां पे इन्वर्जन टेक प्लेस, इन्वर्जन टेक प्लेस। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4th नहीं होगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इन्वर्जन टेक प्लेस। इन्वर्जन होता है यहां पे, ठीक है। समझ गए होगे भाई। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोनिल कंपाउंड। किसको आप ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे? देखिएगा भाई, सेकेंडरी ब्यूटाइल को इजिली कर सकते हैं, एन ब्यूटाइल को तो बहुत इजीली कर सकते हैं। इरा देखिए, जो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल होता है ना, इसका मीनिंग समझिएगा क्या है। ये कह रहा कि कुछ इस टाइप का अल्कोहल है हमारे पास, इस टाइप का अल्कोहल है हमारे पास, इसको बोला जाता है जी टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ये इसका ऑक्सीडेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, मान लो आप इसका ऑक्सीडेशन करवा भी दोगे कार्बोनिल के अंदर तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 एंड यहाँ पे भी CH3। बट यहाँ पे गलती हो गई है, कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लिए हैं, तो कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी नहीं बना सकता है, कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है ना। इस प्रोस्पेक्टिव से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो आपका टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे इनटू कार्बोनिल, इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे इनटू कार्बोनिल। क्यों? क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉर E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो भाई, E2 नहीं, SN1 हो, SN2 हो, E1 हो, E2 हो, कोई भी रिएक्शन हो, सभी में जो रेट होता है वो इसी ऑर्डर का रहेगा। उसका रीजन होता है यहाँ पे बेटर लिविंग ग्रुप। क्या होता है? बेटर लिविंग ग्रुप। देखिए जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होती है सबसे बढ़िया I नेगेटिव लिव करना चाहता है, उसके बाद BR नेगेटिव और उसके बाद CL नेगेटिव। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप इनमें से I नेगेटिव होता है, और जो जितना अच्छे से लिव करेगा, हर स्टेप में क्या निकलता है भाई, लिविंग ग्रुप लिव करता है, तो जो जितना आसानी से निकलेगा उतना ज्यादा ही रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो ये बात एप्लीकेबल होती है SN1 में भी, SN2 में भी, E1 में भी और A2 में भी, सभी के अंदर ये चीज एप्लीकेबल होती है। अब कहोगे सर I नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप क्यों है, यहां से I निकल जाएगा तो ये बेटर क्यों है, ये फास्ट क्यों है? देखिए भाई I नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना, ये एक ग्रुप के एलिमेंट है और ग्रुप में साइज को देखा जाता है। अनायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होता है ना उतना वो ज्यादा स्टेबल होता है, अनायन का साइज जितना बड़ा होता है उतना वो ज्यादा स्टेबल होता है। आई नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसको पता है अगर मैं आर से अलग हो जाऊंगा तो मैं तो स्टेबल होऊंगा, तो इसलिए वो चाहता है कि मैं बहुत आसानी से जल्दी से निकल जाऊं, तो इसलिए ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो जो जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, चाहे वो SN2 हो, चाहे वो E1 हो, चाहे वो SN1 हो, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। लो जी हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कंसीडर द बिलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे ये बेसिकली देखिएगा भाई अल्कोहल है, लेकिन ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, ये OH को यहाँ लगा दो,
क्रोमिक एसिड दिया हमने यहां पे, और इसका हमने इसको इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। ये कंपाउंड ध्यान से अगर आप देखोगे तो दिस इज ये कैसा है, ये वाला कंपाउंड है। यानी कि यहां पे क्या हो गया, जो अल्कोहल था 2 डिग्री अल्कोहल जो था वो कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, एक मिनट रुकिएगा भाई, एक मिनट रुकिएगा, इसमें गड़बड़ लग रही है मुझे, कुछ 5 बॉन्ड यहां पे फिर मैं बना रहा हूं जो कि गलत हो जाएगा। तो यहां पे भाई इसको हटा दीजिए, यहां पे इसको हटा दीजिए, इन्होंने भी लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है यहां पे, ये आएगा जी यहां पे। तो ये क्या क्या है, ये किसका एग्जांपल है, रिडक्शन तो है नहीं भाई, रिडक्शन तो है नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन भी नहीं है, ये वाली भी रिएक्शन नहीं है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और एक का, तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन ही होता है भाई, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही है यहां पे, ठीक है। ये भाई आपका एसीटोन की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा, क्रोमिक एसिड जो होता है CrO3 और साथ में और भी कुछ काफी होते हैं, PCC वगैरह भी, जोन्स रिएजेंट भी होता है, ये ऑक्सीडेशन के काम में ही आते हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 4, होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए अगर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू।